दोस्तों, मैं आपके लिए एक नया टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ। और टॉपिक बताने से पहले मैं कहना चाहूंगा, पहले भी मैंने वीडियो डाली है अपनी, और नए नए टॉपिक डाले हैं, और आपके लाइक भी मिल रहे हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। और जैसे मैं एक टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ, द स्पेशल यूज ऑफ गेट, वेहर वी यूज, कहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं, जहाँ पे दिला दो या दिला दूंगा आ जाता है, वहां पर इसका यूज करते हैं। यदि वाक्य इंपेरेटिव है तो तब कैसे बनाएंगे, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या बनेगा, गेट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मुझे एक मोबाइल दिला दो, गेट मी ए मोबाइल। सेकंड एग्जाम्पल, उसे एक गेंद दिला दो, गेट हिम ए बॉल। और यदि वाक्य इंपरेटिव नहीं है तो तब कैसे बनाएंगे, तब सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगा इसका, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, गेट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे मैं तुम्हें एक बाइक दिला दूंगा, आई विल गेट यू ए बाइक। और अंत में दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगा, यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।